हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? भाई होप सभी अच्छे हो गए। चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो लॉरेल की थर्ड फैमिली रहने वाली है, जो है डायरीचीज और डाइलाइट। डायरीचीज और डाइलाइट ये हमारा डायमी परमानेंट कलर्स होते हैं लॉरेल के अंदर। तो डायरीचीज का क्या काम है, डाइलाइट का क्या काम होता है, इसको हम पूरा प्रॉपर डीपली पढ़ेंगे। मैंने देखा है ज्यादातर सलोन के अंदर क्या करते हैं, मैजरिल यूज करते हैं या फिर इनोवा यूज करते हैं। डायरीचीज और डायलाइट को कोई पूछता ही नहीं है। अगर आप डायरीचीज डायलाइट के साथ काम करोगे ना, आपको तब पता चलेगा कि क्यों ये सबसे अलग रहते हैं डायमी परमानेंट कलर। चाहे वो मैं वेला की बात करूँ, चाहे वो मैं लोरल की बात करूँ, डायमी परमानेंट कलर टू बहुत बेस्ट होते हैं डार्कनिंग के लिए। अगर मेहंदी वाला बाल है, उस पर आप ब्लीच यूज करते हो, वहां पर आपको ऑरेंज टोन नजर आती है, तो आपका ये जो डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होते हैं ये न्यूट्रलाइजिंग बहुत अच्छे से करते हैं। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सभी को? चलिए, तो लॉरेल प्रोफेशनल के अंदर डायरीचेस डायलाइट। अब देखो इसमें अगर मैं बात बताऊंगा आपको डायरीचेस और डायलाइट में, डायलाइट नाम से ऐसा लग रहा है जैसे लिफ्टिंग करता होगा, डायलाइट जो कलर ट्यूब्स है, ठीक है। और डायरीचेस ऐसा लगता है जैसे हमारा ये कलरिंग है डिपॉजिट के लिए, मतलब कुछ अलग कलर होगा ये। तो यहाँ पर देखो उल्टा है। पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखना है, जहां डायलाइट है तो ये जो कलर ट्यूब्स होता है ये लिफ्टिंग नहीं करता है, डायरीची जो होता है ये हमारे बालों में लिफ्टिंग करता है। तो अगर मैं पहले स्टार्टिंग से लिफ्टिंग की ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अप टू 1.5 लेवल लिफ्टिंग करता है। मतलब ये जो कलर ट्यूब्स है डायरीचीज की, जो भी कलर ट्यूब्स होती है वो 1.5 लेवल तक लिफ्टिंग करती है। अब मैं इसकी लिफ्टिंग की बात करूं ना, कौन सा वॉल्यूम यूज करना है, मैंने बताया ना आपको ये माइल्ड कलर ट्यूब होती है, स्ट्रॉन्ग कलर ट्यूब नहीं है, ये डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होता है। तो इसको कलर, ये जो कलर ट्यूब्स होती है इसको करने के लिए हमें इसी का ही डेवलपर यूज करना होता है। हमें डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स यूज करो तो डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स का ही डेवलपर यूज करना होता है। तो इसके अगर मैं डेवलपर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 वॉल्यूम मिलेगा, 9 वॉल्यूम मिलेगा और 15 वॉल्यूम मिलेगा। ये 3 डेवलपर मिलता है, ठीक है। तो अप टू 1.5 लेवल, मतलब 1.5 लेवल तक लिफ्टिंग करता है। अब लिफ्टिंग 1.5 लेवल तक कहां पर, कौन से वॉल्यूम से लिफ्टिंग करेगा, 15 वॉल्यूम से। अब ऐसा नहीं कि आपने 6 वॉल्यूम लिया तब लिफ्टिंग करेगा, जो हाई डेवलपर होता है उसी के साथ तो लिफ्टिंग करता ज्यादा, ठीक है। तो डायरीचीज जो कलर ट्यूब्स होती है ये 15 वॉल्यूम के साथ 1.5 लेवल तक लिफ्टिंग करता है। वहीं पर अगर मैं डाइलाइट की बात करूं, ये लिफ्टिंग ही नहीं करता। तो डाइलाइट जो कलर ट्यूब्स है ये बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेगा, ये हमें डिपॉजिट के लिए यूज करना होता है, ठीक है। तो इसको हमें यूज करना है ओनली डिपॉजिट। तो ये सिर्फ डिपॉजिट के लिए यूज होएगा, ये हमारा लिफ्टिंग के लिए भी यूज हो जाता है। ग्रे कवरेज जब लिफ्टिंग ही नहीं कर रहा ये कलर ट्यूब, डाइलाइट कलर ट्यूब, तो ग्रे कवरेज कैसे कर सकता है, ग्रे कवरेज तो करेगा ही नहीं। वहीं पर डायरीचीज जो कलर ट्यूब्स है वो लिफ्टिंग करता है, ठीक है। तो ये ग्रे कवरेज करेगा लेकिन 100% ग्रे कवरेज नहीं करता है, ये 70% ग्रे कवरेज करता है। अब 70% ग्रे कवरेज हमारा 15 वॉल्यूम के साथ करेगा, ठीक है, 15 वॉल्यूम के साथ करेगा 70% ग्रे कवरेज। अगर क्लाइंट का 30% ग्रे हेयर है तब वो 9 वॉल्यूम से भी कर जाएगा, ठीक है। बार रिपीट कर देता हूं, अगर किसी क्लाइंट का ग्रे हेयर ज्यादा है तब आपको 15 वॉल्यूम से करना पड़ेगा, 15 वॉल्यूम से करना पड़ेगा, तब जाके 70% ग्रे कवरेज होता है। अगर अगर थोड़ा बहुत ग्रे कवरेज है, मतलब ग्रे हेयर है 30%, 20% है,
तो आपका 9 वॉल्यूम से भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 70% ग्रे कवरेज करता है डाई रिचीज, और डाई लाइट जो होता है वो ग्रे कवरेज बिल्कुल भी नहीं करता है। डार्कनिंग की अगर मैं बात करूं डाई रिचीज के अंदर, जो डार्कनिंग का मतलब बताया था ना मैंने, जब आप लाइट से डार्क की तरफ जाते हो तो उसको हम डार्कनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर डार्कनिंग जो करता है डाई रिचीज, 4 लेवल डार्कनिंग कर जाता है। आपको प्री पिगमेंटेशन करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताया था, जैसे आपका 9 नंबर का हेयर है, आपको 6 नंबर पे जाना है तो वहां पर आपको पहले ऑरेंज को डालना पड़ेगा, ऐसे बताया था ना। तो अगर आप नहीं डालते तो क्या होता है, वो आपका रिफ्लेक्शन नजर आता है, ठीक है। जो आपका अंडरकोट होता है वो रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो यहाँ पर डायरी चीज जो कलर्स होते हैं 4 लेवल डार्कनिंग करता है, आपको प्री पिगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा डार्कनिंग कर देगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं डाई लाइट की बात करूं तो ये हमारा ज्यादा तो नहीं, 2.5 लेवल तक हमारा डार्कनिंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा 2.5 लेवल डार्कनिंग करता है, 2.5 लेवल डार्कनिंग करता है, ये हमारा 4 लेवल डार्कनिंग करता है। समझ आ रहा है ना, मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये अप टू 1.5 लेवल लिफ्टिंग करता है, ये लिफ्टिंग नहीं करेगा, डाई लाइट नाम है लेकिन लिफ्टिंग नहीं करेगा। 70% ग्रे कवरेज करता है, ये ग्रे कवरेज नहीं करेगा। डार्कनिंग करता है 4 लेवल, ये डार्कनिंग जो करता है सिर्फ 2.5 लेवल तक डार्कनिंग करता है। दोनों में वॉल्यूम यही जाने वाले हैं। कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं लिख लो, 6 वॉल्यूम, 9 वॉल्यूम और 15 वॉल्यूम होते हैं। इसके अंदर साइन बहुत अच्छी आती है डायरी चीज के अंदर। अगर मैं डाई लाइट की बात करूं तो एक्स्ट्रा साइन है, बहुत ज्यादा साइन है डाई लाइट के अंदर, ठीक है। डाई लाइट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एसिड वाला, एसिड बेस जेल हमारा कलर ट्यूब्स रहता है, मतलब एक तरीके से इसका जो पीएच लेवल रहता है वो एसिडिक रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं इसको एसिडिक, इसको हम लिख रहे हैं एल्कलाइन, इसका पीएच लेवल एल्कलाइन रहता है। समझ आ रहा है ना, एल्कलाइन क्या है, एसिडिक क्या है, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। जो डाई लाइट जो कलर ट्यूब्स होती है ये, इसका पीएच लेवल एसिडिक रहता है, और जो हमारा डाई रिचीज जो कलर ट्यूब्स होते हैं उसका पीएच लेवल एल्कलाइन रहता है। तो डाई लाइट का एसिडिक और डाई रिचीज का एल्कलाइन, तो इसका पीएच लेवल हमारा कौन से वाले का अच्छा है, डाई लाइट का। इससे पता चलता है ये ज्यादा सेंसिटिव हेयर जो होते हैं उसके लिए बनाया हुआ है। तो ये जो कलर ट्यूब्स होता है कलर्ड हेयर के लिए है, और सेंसिटाइज हेयर जो होते हैं उसके लिए बनाया हुआ है। ये हमारा कलर हेयर के लिए कलर ट्यूब है, ठीक है। तो डाई रिचीज और डाई लाइट का जो मिक्सिंग रेशियो रहता है ना वो सेम है। इसका मैं मिक्सिंग रेशियो की बात करूं 1:1.5, अगर मैं इसकी मिक्सिंग रेशियो की बात करूं 1:1.5, मतलब जितना आप कलर ट्यूब ले रहे हो उसका 1.5 गुना आपको क्या लेना होता है, डेवलपर आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डाई रिचीज और डाई लाइट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, डाई रिचीज जो होता है इसका पीएच लेवल एल्कलाइन रहता है, डाई लाइट का पीएच लेवल एसिडिक रहता है। डाई लाइट जो होता है इसको हम सिर्फ डिपॉजिट के लिए यूज करते हैं, जिसका हेयर बहुत ज्यादा डैमेज है वहां पर आप इसको डाई लाइट को यूज कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं ये ग्रे कवरेज करता है, लेकिन वो ग्रे कवरेज नहीं करता है, ये डार्कनिंग अच्छे से करता है, वो डार्कनिंग 2.5 लेवल करता है, ठीक है। तो ये कलर्ड हेयर के लिए है, वो सेंसिटाइज हेयर के लिए बनाया हुआ है। तो वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अब वॉल्यूम मैंने आपको 3 बता दिया है, 6 वॉल्यूम, 9 वॉल्यूम और 15 वॉल्यूम। 6 वॉल्यूम डार्कनिंग के लिए यूज होता है, मैं बता चुका हूँ आपको सब चीजें। 6 वॉल्यूम हमेशा डार्कनिंग के लिए यूज करना होता है, 9 वॉल्यूम हमारा लेवल टू लेवल के लिए काम करना होता है, 15 वॉल्यूम को जब आपको कलर को थोड़ा लाइट दिखाना है, ठीक है,
तब आप 15 वॉल्यूम का यूज करोगे और ग्रे कवरेज के लिए भी 15 वॉल्यूम का आप यूज करोगे, ठीक है। तो इसमें ये सारा चीजें डिफरेंस रहती हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये जो कलर ट्यूब्स है ये कितने टाइम तक चलता है। तो इसकी अगर मैं लास्टिंग की बात करूँ, दोनों ही कलर ट्यूब्स लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन ये डायमी परमानेंट कलर ट्यूब है, परमानेंट कलर ट्यूब्स तो नहीं होता ये, ठीक है। तो ये निकल जाता है बालों में से। तो कितना निकलता है, कितने वॉशिज में निकल जाता है, 15 to 18 वॉशिज में। जितने भी डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होते हैं ना वो जल्दी निकल जाते हैं, 18 वॉश में निकल ही जाते हैं लगभग सभी कंपनी के, ठीक है ना। तो 18 वॉश के अंदर अंदर ये हमारा क्या होता है, कलर जो होते हैं वो बालों में से पूरा प्रॉपर निकल जाता है, ठीक है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये ज्यादातर यूज किस चीज के लिए किया जाता है, एश कलर करने के लिए। अगर मैं डाई लाइट के अंदर शेड्स की बात करूं तो बहुत अच्छे शेड्स इसके अंदर रहते हैं। अब मैं अभी लिखूंगा ना तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना अच्छा शेड है, 9.02, मतलब आप एश कलर कर सकते हो, ठीक है, 9.12। तो ऐसे ऐसे शेड्स रहते हैं इसके अंदर। आपको लाइट कलर अगर आपको करना है ना, एश में जाना चाहते हो, एश ब्लोंड के अंदर जाना चाहते हो, तो आपके लिए डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स लॉरेल की बहुत ज्यादा बेस्ट है। ज्यादातर लाइट कलर जो होते हैं ना वो हमारा डायमी परमानेंट कलर ट्यूब से ही होता है, चाहे वो ज्यादातर वैला में भी आप देख लेना और चाहे आप इसमें देख लेना, तो हमारा ज्यादातर ये डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स में होता है। वैला के अंदर सेकेंड जो परमानेंट फैमिली है तो उसमें भी ज्यादातर लाइट कलर रहता है जो है एल्यूमिना। किसी को कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप इसको यूज करो एश कलर करने के लिए। बहुत अच्छे शेड्स आते हैं इसके अंदर, 9.02, 9.12, 9.11, ठीक है, 10.2, इस टाइप के शेड्स रहते हैं जो बहुत अच्छे शेड्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा लाइट कलर करना है तो आप इसको कर सकते हो। चलिए इसको मैं दोबारा रिपीट करूं क्या, लॉरेल प्रोफेशनल के अंदर थर्ड जो फैमिली है वो है डाई रिचिस और डाई लाइट, ठीक है। ये डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होती है। इसकी अगर मैं बात करूं, ये हमारे बालों में ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। ये जो कलर ट्यूब्स होती है ये हम लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, और जो भी हमारा डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होता है इसको आप स्मूथनिंग वाले बालों पे कर सकते हो। मतलब अगर क्लाइंट के आज स्मूथनिंग कर रहा है, आपको वहां पर कलर करना है, ग्रे कवरेज करना है सेम टाइम पे, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे कलरिंग स्मूथनिंग के बाद सेम टाइम पे कलरिंग नहीं करते, अगर मजबूरी है आपकी तो आप यहाँ पर डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स के अंदर जा सकते हो। 70% तक ये हमारा ग्रे कवरेज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैंने आपको बता दिया डायरी चीज, डाई लाइट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। एश कलर कैसे करें, नीरू मैंने आपको ना बताया हुआ है इसके बारे में, पुरानी वीडियो में आप देखना, ठीक है ना। 6 वॉल्यूम को कैसे यूज करना है, 9 वॉल्यूम को कैसे यूज करना है होता है, वो मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो जितने हमारे कम वॉल्यूम होता है, जैसे हमारा 6 वॉल्यूम सबसे कम है, 6 वॉल्यूम जो होता है वो हम डार्कनिंग के लिए यूज करते हैं। जैसा आपका हेयर जो लिफ्टिंग है वो 9 लेवल की है, आपको कलर करना है 8 नंबर का या 7 नंबर का, आप डार्कनिंग कर रहे हो तब आपको 6 वॉल्यूम करना होता है। अगर आपको लेवल टू लेवल काम करना है,
अगर आपकी लिफ्टिंग है 9 नंबर की, आपको 9 नंबर का ही कलर करना होता है, तब आप वहां पर 9 वॉल्यूम का यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास 10 वॉल्यूम है तो 10 वॉल्यूम का आप यूज कर सकते हो। वहीं पर ही अगर आपको लाइट कलर दिखाना है थोड़ा, ठीक है, कलर को विजिबल दिखाना है थोड़ा सा, जो कलर दिखे अलग से ही, तब आप वहां पर 15 वॉल्यूम का यूज कर सकते हो। 15 वॉल्यूम अगर आप यूज करोगे तो वहां पर जो कलर है वो ज्यादा डार्क की तरफ नहीं जाएगा, कलर जो होगा वो आपको ज्यादा दिखेगा। इसकी मैं टाइमिंग का बताना भूल गया हूँ, इसका दोनों का जो टाइमिंग है ना, दस से 20 मिनट है। वैसे तो 5 मिनट में भी कलर आ ही जाता है, तो मैं इसको 5 ही लिख देता हूँ। तो 5 से 20 मिनट के अंदर ही कलर आ जाता है। अब आपको देखना है कि आपको कितनी देर के लिए रखना है, आपको ज्यादा डार्क की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। तो ये 20 मिनट इसका लास्ट है, ठीक है। जितने भी डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स होते हैं उसका जो टाइमिंग रहता है लास्ट 20 मिनट रहता है। अगर मैं डायमी परमानेंट कलर ट्यूब्स की बात करूँ तो ये हम ज्यादातर डिपॉजिट के लिए ही यूज करते हैं, लिफ्टिंग के लिए आप इसको यूज मत करो, क्योंकि लिफ्टिंग तो एक ना के बराबर ही करता है, डेड लेवल बोला हुआ है तो एक ना के बराबर ही आप मान के चलो लिफ्टिंग करेगा। आप ज्यादातर इसको यूज करना है डिपॉजिट के लिए, तो जब आप ब्लीच करते हो, ब्लीच के बाद आपको कोई कलर डिपॉजिट करना तब आप इसको यूज कर सकते हो। और कुछ पूछना है किसी को? क्लियर नहीं नजर आ रहा क्या? क्लियर है? अब मैं थोड़ा काला नजर आ रहा हूं। व्हाइट कलर कैसे करें? ये कलर ट्यूब देख रहे हो, 10.22 आता है, 10.22 देख रहे हो आप, ठीक है। 10 लेवल की लिफ्टिंग करो, उसके अंदर आपको लोरल के अंदर मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको हल्का सा येलो नजर आएगा। अब 10.22 को आप डिपॉजिट कर दो, 9 से 10 लेवल की लिफ्टिंग करना पड़ेगा, तब जाके व्हाइट कलर आता है। जो मैंने आपको अंडरकोट बताया हुआ है ना, उसी को फॉलो करना है। अगर आपको दिख रहा है ऑरेंज सा, तो वो आपको अभी तक 8 लेवल पे भी नहीं पहुंचा है। पहले आप 10 लेवल की लिफ्टिंग करोगे, उसके बाद आपको 10.22 आपको कलर डिपॉजिट करना है, ठीक है, तब वो व्हाइट कलर आ जाएगा। और इसका भी ध्यान रखना है, 10.22 अगर आप डिपॉजिट करोगे, उसको ध्यान रखना है कि ज्यादा डिपॉजिट मत कर देना, हो सकता है आपको 5 मिनट रखना पड़े शायद, तो विजुअल चेकिंग रहती है। अगर बाय चांस डिपॉजिट हो जाता है तो उसको शैम्पू करके आप निकाल सकते हो। शोक जी आप मुंबई से हो, मेरा एक भी वीडियो नहीं छोड़ते देखना, तो बहुत अच्छी बात है। एक इनका तो सोनम और मिराज, आप क्या बातें करते रहते हो। मिराज जी देख भी लेना कहीं ये लड़का हो सोनम।
ऐसी आप क्लासेस को ज्वाइन करते रहो और अपनी जितना भी नॉलेज है, अगर आपको आता भी है ना, फिर भी क्लास को ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। ठीक तो क्लास को यहीं पर हम ओवर करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर सकता है, फिर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। शैम्पू कौन सा यूज करना है? शैम्पू यूज करना होता है हमें माइल्ड शैम्पू, ठीक है, माइल्ड शैम्पू यूज करना होता है। और अगर मैं सभी कलर की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी हम कलर्स यूज करते हैं उसके लिए कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करना होता है। अब व्हाइट कलर की बात तो नहीं कर रहे थे, व्हाइट कलर के बाद कौन सा शैम्पू यूज करना है? इन बाल है ब्लॉन्डर के लिए कौन सा डेवलपर यूज करें? 6 वॉल्यूम, ठीक है, कम वॉल्यूम से आप स्टार्टिंग करोगे। आप पतले बालों पे 6 वॉल्यूम भी करोगे ना, आप खुद देखना 8 लेवल तक आपको लिफ्टिंग मिल जाता है, ठीक है ना। तो कम वॉल्यूम से यूज करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा थिक बाल है तब 10 से करो, ठीक है, तब भी ऐसा नहीं कि 20 से करना है, तब भी 10 से करना है। अगर कलर करना है तो कौन सा शैम्पू यूज करो? मुझे समझ नहीं आया। कितने मिनट के अंदर 10 लेवल की लिफ्टिंग हो जाती है? कितने नंबर के हेयर में आप बात कर रहे हो? 4 नंबर के हेयर में आपको दोबारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एकदम से 10 लेवल की लिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। अगर मैं एशियन हेयर की बात करूं तो दोबारा एप्लीकेशन होएगा उसके अंदर। पहले आप उसको रिंस करोगे पानी के साथ में, सिर्फ ऐसे आप उसको निकालोगे, उसके बाद दोबारा से आप उस पर एप्लीकेशन करोगे। व्हाइट कलर के बाद भी कलर प्रोटेक्शन शैम्पू ही यूज करना होता है, लेकिन वहां पर आपको क्या होता है, पर्पल शैम्पू जो होता है वो आपको यूज करना होता है हफ्ते में एक बार। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार दोबारा से day 1 से स्टार्टिंग कर लेना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल नया हो और नया चीज एकदम से आपको समझ नहीं आने वाला, आप day 1 से दोबारा से स्टार्ट करो तो आपको समझ आ जाएगा दोबारा से। टेन लेवल की कितने मिनट में लिफ्टिंग हो जाती है? मैंने बताया ना आपको दनीश, मैंने आपको बताया ना, अगर वो एशियन हेयर है तो कितने मिनट में हो जाएगी इसका कोई नहीं है। 50 मिनट तक हो सकता है वो 8 लेवल की लिफ्टिंग होए, ठीक है, वो आपको देखना है कि लिफ्टिंग कितना हुआ। 1 टाइम में लिफ्टिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, 50 मिनट के बाद वो रुक जाएगा लिफ्टिंग होना, उसके बाद आपको उसको रेंज करना है, उसके बाद दोबारा से एप्लीकेशन करना है। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन को एकदम। ब्लॉन्डर का कोई टाइमिंग नहीं होता, होता है ना 50 मिनट होता है, 50 मिनट के बाद वो काम करना बंद कर देता है। क्योरिंग फाइन शैम्पू और क्लोरिंग फाइन शैम्पू एक ही शैम्पू रहते हैं, ये हमारे बालों में डीप क्लीन करते हैं हमारे बालों को, मतलब ये हमारे बालों का क्यूटिकल लेयर को ओपन करता है। इसका पीएच लेवल हाई रहता है, ठीक है, 8 और 10 के बीच में रहता है इसका पीएच लेवल, जो हमारे बालों की क्यूटिकल लेयर को ओपन कर देते हैं। इसको आपको यूज करना है तो आपको कलरिंग करने से पहले करना होता है, कलरिंग के बीच में या फिर लास्ट में तो नहीं करना है।
स्कोर्स्को ऑफ कलर कब होगा? स्कोर्स्को ऑफ कलर हमारा अभी हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलेगा, मैं आपको एप्लीकेशन की टेक्निक्स बताऊंगा इसके बाद, उसके बाद हमारा स्कोर्स्को ऑफ होगा, उसके बाद मैट्रिक्स होगा। कलर है मैं 10 लेवल कौन सा ब्लॉन्डर यूज करे? क्वेश्चन समझ नहीं पाया। कोई भी ब्लॉन्डर यूज कर लो, दो बारी में आपका लिफ्टिंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच शिल्पा। एट या नाइन नंबर के हेयर पे 4 नंबर का कलर डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। वैसे करना तो नीचे यहाँ पर प्री पिगमेंटेशन करना होता है, लेकिन अगर आप डायरीज को यूज कर रहे हो तो आप 5 नंबर का कलर डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो। अगर 9 नंबर का हेयर है तो 6 वॉल्यूम का भी आप 6 नंबर का कलर आप डिपॉजिट कर सकते हो। अगर ये 15 से 18 वॉश के बाद ये क्या होता है, ये कलर बिल्कुल निकल जाता है, नीचे से वो ब्लॉन्डर वाला हेयर आ जाता है। वहां पर आपको सिर्फ क्या करना, कलर को डिपॉजिट करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? वहां पर आप कलरिंग डिपॉजिट करोगे। अगर मैं बात करूं इनकी रेड जो शेड्स रहते हैं डायमंड परमानेंट्स के अंदर, वो थोड़ा लेट निकलते हैं, वो भी थोड़ा लेट निकलेगा। चलिए फिर क्लास को हम ओवर करते हैं। बाय, गुड नाइट।